अपने बच्चे में ये विश्वास पैदा करें कि वो साधारण नहीं है, याद रखना वो विशिष्ट है, और उसे खुल के जीने दे। हमारे यहां केवल नंबरों की बात की जाती है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मेरे कभी नंबर नहीं आए, लेकिन जिस दिन मैंने पढ़ना शुरू किया ना, उसके बाद मैं उस जोन में रहा, मैंने उस जोन को जिया। मैं कहता हूं बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करो तुम। यदि बच्चा डांस कर रहा है, खुल के डांस करने दो। बच्चा गा रहा है, खुल के गाने दो। बच्चा जब पेंटिंग बना रहा है, खुल के पेंटिंग बना दो, बनाने दो। और बच्चा जब खाना खा रहा ना, तो खुल के खाना खाने दो उसको। मत ये बातें करो उसके सामने, बेटा देख वो ऐसे कर गया, उसके 10 में से 9 नंबर आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम केवल बच्चे को कहो कि बेटा तू जैसा है बहुत स्पेशल है, और तुझे बेहतर है, तू बहुत ताकतवर है, तेरे अंदर बहुत ताकत है, और तू कुछ भी कर सकता है। केवल ये विश्वास हमें क्रिएट करना है, याद रखना, फिर दुनिया की कोई ताकत हमारे बच्चे को हरा नहीं सकती। ये शब्द में सब बेमानी के हैं, ये निराशा, तनाव, सुसाइड, ये सब बकवास वर्ड है, ये हमने क्रिएट किए हैं। पहला काम ये करना है, इन्वायरमेंट गजब का दो अपने बच्चे को। अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा कर दो, बच्चे की खुद की इमेज ऐसी बना दो कि बच्चा कभी ये नहीं कहे कि पापा मैं कमजोर हूं क्या। नहीं बेटा, तू कमजोर क्यों है, हर चीज में उसको मजबूत बनाओ, याद रखना। यानी बच्चे में संवेगात्मक बुद्धि डेवलप करो, एचुमेंट मोटिवेशन डेवलप करो। मैं कहानी पढ़ रहा था, एक छोटा सा बच्चा है, वो स्कूल से आता है, और स्कूल से आने के बाद अपने पापा से बोलता है, पापा मेरे साथ वाले बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं। बोले बेटा कैसे मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि तू तो माली का बच्चा है, तेरे पापा तो पौधों में पानी डालते हैं, पूरे दिन पौधे लगाते हैं, तू तो ऐसा ही है। वो बच्चा रोने लग गया, बोले सब मजाक उड़ाते हैं, उसके पापा बड़े समझदार थे। उस बच्चे को लेके गए, बोले चल आज दो पौधे लगाते हैं अपन। एक पौधा उन्होंने लिया, एक पौधा अपने बच्चे को दिया, और बोले कि इस पौधे में पानी डालेगा गंदा, जो तालाब का सबसे गंदा पानी है वो तेरे वाले पौधे में डालना है 20 दिन, और मैं जो पौधा लेके लगा रहा हूं उसमें सबसे अच्छा पानी डालूंगा। 20 दिन लगातार पानी डाला गया। आपको पता है सबसे पहले फूल कौन से पौधे में आए, जिसमें गंदा पानी डाला गया उस फूल, उस पौधे में सबसे पहले फूल आए। वो बच्चा बोला पापा ऐसे कैसे हुआ, आपने तो अच्छा पानी डाला, मेरे वाले में गंदा पानी डाला। बोले बेटा यही जिंदगी की कहानी है, हमारा जीवन यही है। जितने लोग हमारे ऊपर नकारात्मक बातें करेंगे, जितने लोग तुम्हारे को ताने मारेंगे, जितने लोग तुम्हारे पैर खींचेंगे, याद रखना आदमी उतनी बड़ी उन्नति करता है। कभी डर मत जाना, कभी रो मत देना कि पापा मेरे को आज किसी दोस्त ने यूं कह दिया। डरो मत लाइफ में, जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे वो खुद गिर जाएंगे, तुम इतिहास रचोगे। यानी गंदे पानी को जब एक पौधा अपनी खाद के रूप में प्रयोग कर लेता है, तो याद रखना हमारे बच्चों में हमें ये संस्कार पैदा करने हैं कि किसी भी चुनौती से, किसी भी ताने से, कभी भी नंबर कमाने से बच्चा कभी अपने आप को कमजोर ना समझ ले, यानी उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करो। दूसरी चीज याद रखना, हमें अपने बच्चों में वो विजुअलाइजेशन की शक्ति पैदा करनी है। मैं बहुत बार बोलता हूं, जिंदगी में जो आप बनना चाहते हो ना, वो देखना प्रारंभ कर दो। धीर सिंह धवा एक साधारण सा बच्चा था, झोंपड़ी से निकला।